हेलो। तो इन द लास्ट वीडियो वी डिस्कस्ड अबाउट द फर्स्ट पार्ट पार्ट ऑफ द फर्स्ट चैप्टर। तो चैप्टर फर्स्ट के हमने फर्स्ट पार्ट के अंदर अप टू 1.8 तक के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। ठीक, अब इस पार्ट में हम जो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम उससे आगे कर। ठीक, लेट्स स्टार्ट हियर। लेट्स सी, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर दिया है 1.9। ये हमारा क्वेश्चन 1.9 क्या कह रहा है यहाँ पर? ये कह रहे हैं कि इसका एवरेज एटॉमिक मास निकालो, किसका? क्लोरीन का, और यूजिंग फॉलोइंग डाटा। यहाँ पे दिया है उन्होंने, एक क्लोरीन दी है 35 और उसकी अबेंडेंस है यहाँ पर 75.77, और साथ में दी है मोलर मास दे रखा है इसका 34.9689। ठीक, साथ में एक क्लोरीन जो है, जो इसका आइसोटोप है दूसरा वाला क्लोरीन का, ठीक, आइसोटोप्स मतलब जिनका एटॉमिक मास जो होता है, एटॉमिक मास होता है इनका डिफरेंट, बट दे आर एटम्स ऑफ सिंगल एलिमेंट, इसी वजह से इनको बोलते हैं हम आइसोटोप्स। ऑलराइट, इसी वजह से इनको आइसोटोप्स बोला जाता है कि इनका जो एटॉमिक नंबर होगा वो तो दोनों का 17 इसका होगा और 17 क्या हो जाएगा इस वाले का हो जाएगा, लेकिन इनके जो मासेस होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो यहाँ पर हमको सिर्फ यही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ऑलराइट, लेट्स गो टू नेक्स्ट स्लाइड। तो हमको पता चला कि हम जब क्वेश्चन कर रहे थे तो उन्होंने बताया कि जो क्वेश्चन है आपका पहला वाला, इसके अंदर आपको क्लोरीन 35 की अमाउंट अबेंडेंस दे रखी है 75.77, साथ ही जिसका मोलर मास दिया है वो दिया है 34.9689। ठीक, दूसरा दिया है आइसोटोप हमको 37 वाला। ठीक, इसके केस में क्या दे रखा है उन्होंने? इन्होंने बोला है कि यहाँ पर जो है इसकी जो अबेंडेंस है वो बचेगी 100 में से जो बचा 34.23। ठीक, और इसका जो मोलर मास है वो है 36.9659। ऑलराइट, तो अभी हम बात कर चुके हैं कि ये दोनों क्या है, एक दूसरे के आइसोटोप्स है। आइसोटोप्स के अंदर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम रहते हैं, बट जो एटम का एटॉमिक मास होगा दैट्स बिकम डिफरेंट डिफरेंट। जो हम देख पा रहे हैं कि इन दोनों का ही एटॉमिक मास क्या है, एक दूसरे से डिफरेंट है। इसके लिए एक जनरल सा फॉर्मूला बना लेते हैं, जब भी आपको एवरेज मास निकालना हो, एवरेज एटॉमिक मास, तो फॉर्मूला बनाते हैं कि आइसोटोप, जो फर्स्ट आइसोटोप है उसका एटॉमिक मास इंटू जो भी उसकी अवेंडेंस है, तो इसको दिखा देते हैं हम x1 परसेंटेज से, प्लस जो दूसरा आइसोटोप है उसका मोलर मास और साथ में उसकी अवेंडेंस, इसको दिखा देंगे x2 से। ऑलराइट, इस तरीके से हम वैल्यूज इसकी निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं 35 वाले की। तो इसका जो अवेंडेंस है वो तो हमको पता है 75.77% है। ठीक, तो यहाँ पर इस चीज़ को भी याद रखना है कि परसेंट है। ऑलराइट, तो यहाँ पर जो इसका एटॉमिक मास है वो दे रखा है 34.9689 इंटू 75.77। जब किसी चीज़ की परसेंटेज की मल्टीप्लिकेशन की जाती है किसी के चीज़ के किसी दूसरी वैल्यू के साथ, तो हमको क्या लगाना पड़ता है? परसेंटेज को कन्वर्ट करना पड़ता है नंबर्स में। तो हम इसको डिवाइड कर देंगे 100 से। ठीक, और जब हम इसको 100 से डिवाइड करेंगे फिर दूसरी वैल्यू रखनी है, उसके अंदर दे रखा होना 36.9659 इंटू, और इसकी परसेंटेज दी है उन्होंने x2 अवेंडेंस 24.23, और इसको भी क्या कर देंगे? डिवाइड बाई 100 कर देंगे। ऑलराइट, लेट्स सी, जब हम इनकी वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लिकेशन कराएं, ठीक, तो हमारे पास क्या क्या वैल्यूज आती हैं उसको हम नेक्स्ट स्लाइड पर देख लेते हैं। ठीक, इससे पहले मैं क्या करूँगा कि हम इस चीज़ को समझ लें एक बार। ठीक, जो भी वैल्यू आई है, यानी कि जो पहली वाली वैल्यू आई है, मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ क्योंकि यहाँ पर स्लाइड थोड़ी छोटी पड़ गई, दैट्स वाई हम इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेंगे। और क्या है? ठीक है,
यहाँ पे जो वैल्यू हम देखते हैं पहली वाली, तो वो दे रखी है उन्होंने कि 34.969689 को मल्टीप्लाई कर देना है हमको कितने से, 75.77, ठीक। और फिर इसको डिवाइड करना है हमको 100 से, तो डिवाइड करने के लिए हम क्या करते हैं, पॉइंट यहाँ का पॉइंट कहाँ पहुँच जाएगा, ये उठकर आगे हो जाएगा अगर हम 100 को काट लें, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी इसकी पहले वाले की 26.4959, 26.4959 पहले वाले की वैल्यू। प्लस अब देख लेते हैं हम दूसरे वाले की वैल्यू, यहाँ पर जब हम दूसरे वाले की वैल्यू देखेंगे तो हम पाएंगे कि हमारे पास क्या है, इस बार क्या है 36, और इसको दोनों जीरो को काट देते हैं यहाँ पर इस तरीके से, ये दोनों जीरो काटेंगे तो ये पॉइंट कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ पर पहुँच जाएगा, ठीक। तो आपके 36.9659 और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम कितने से, 0.2423, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 8.95568। ऑलराइट, अब इन दोनों वैल्यूज को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो जब हम ऐड करेंगे इन दोनों वैल्यूज को, पहली वैल्यू ये सी वाली और दूसरी वैल्यू ये 26.4959 को, तो हमको वैल्यू मिलेगी यहाँ पर कंप्लीटली 35.4527 ग्राम में, ठीक। अब इस तरीके से हमको क्या पता चलता है, जब हमने इसकी वैल्यू को निकाला तो हमको मिली 35.4327 ग्राम, जिसको हम कंसिडर कर लेते हैं पूरा 35.5 ग्राम। जब भी क्लोरीन का एवरेज एटॉमिक मास की बात आती है तो हम उसको 35.5 लेते हैं, और जब हम वैल्यू रखेंगे फॉर्मूले में तो इसके अकॉर्डिंग वैल्यू हमारी ये आने वाली है। और इसके लिए जो हम एवरेज फार्मूला यूज़ करते हैं, तो उस फार्मूले को कुछ कुछ इस तरीके से यूज़ किया जाता है। ऑलराइट, तो ये क्या था हमारा फार्मूले से वैल्यू निकालने का तरीका, ठीक। अब लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है हम उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, इन्होंने बोला है ऑलराइट, ये रहा हमारा क्वेश्चन। उन्होंने बोल रखा है कि ये जो इन थ्री मोल्स ऑफ द इथेन, इथेन यानी कि इथेन का फॉर्मूला होता है C2H6, ठीक। इन थ्री मोल्स ऑफ इथेन, यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन के एटम बताने को कि कितने कार्बन के मोल्स होंगे। अगर हम क्या कर लें, थ्री मोल इथेन के लेने, तो हमको बताना है कार्बन के कितने मोल होंगे, बताना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द हाइड्रोजन एटम, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन भी बताने हैं, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द इथेन, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द इथेन भी बताना है हमको इस जगह पर, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक। अब देखो, जब भी बात आती है क्या बोला गया है यहाँ पर कि इथेन के बारे में इंफॉर्मेशन देनी है, ठीक। तो पहली चीज़ हम समझ लेते हैं कि इथेन लिखते हैं कुछ ऐसे, ठीक। और इथेन में क्या होता है, इथेन की स्ट्रक्चर होती है कुछ ऐसी, ठीक। कैसी स्ट्रक्चर होती है, C2H6, ठीक। अब सपोज करो मैंने क्या किया है, एक इथेन को कम्प्लीटली ब्रेक कर दिया, आप ऐसा मान के चलें कम्प्लीटली, आप यहाँ पर इक्वल टू का निशान भी लगा सकते हैं और ऐसा भी लगा सकते हैं, तो मुझको कितने मिलेंगे, दो कार्बन मिलेंगे और साथ ही मेरे पास 6 हाइड्रोजन एटम मिलेंगे, ऑलराइट, ठीक है। अब सपोज करो मैं एक मोल को ब्रेक करता हूँ, ठीक, स्टोकीमेट्री, यहाँ पर स्टोकीमेट्री क्या है, 1, तो दैट्स व्हाई मैं बोल रहा हूँ कि एक मोल को अगर ब्रेक करता हूँ तो मेरे पास 2 मोल कार्बन मिलेंगे और 6 मोल हाइड्रोजन एटम मिलने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम थोड़े से आगे बढ़ते हैं, तो अगर मैं 2 मोल को कर दूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, 2 मोल करूँगा तो 2 × 4 हो जाएगा, 4 कार्बन मोल के मोल मिलेंगे और 6 × 2 यानी कि 12 हाइड्रोजन के मोल, हाइड्रोजन एटम के मोल मिल जाएंगे, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर 4 कार्बन के मोल मिल गए और यहाँ पर 12
हाइड्रोजन के मोल मिल गए। इसी तरीके से अगर मैं बात करता हूँ 3 मोल की, तो यहाँ पे 3 मोल अगर मैं इथेन के ब्रेक करता हूँ तो यहाँ पर क्या हो जाता है, 2 × 3, 2 × 3 मतलब ये हो जाएगा हमारा 6 मोल कार्बन के मिल जाएंगे। और इसी तरीके से जो हमारा 6 वाला है 2 × 3, यानी कि यहाँ पर मिल जाएंगे मुझको 18 मोल हाइड्रोजन के। ठीक है, तो ये सिंपली मतलब चीज़ को देखना है और उसके बाद बता देना है कि भाई कितने मोल्स मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर हमको पहला पहले ऑप्शन का हमारा आंसर मिल गया कि पहले वाले में पूछा था उन्होंने कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन के एटम्स कितने होंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम जो हो जाएंगे यहाँ पर क्या हो जाएंगे, 3 मोल को ब्रेक करने पर, थ्री थ्री मोल को ब्रेक करने पर ऑफ C2H6 मुझको मिलेंगे 6 मोल ऑफ कार्बन। कार्बन यानी कितने कार्बन एटम होंगे, इतने ही मोल मिल जाएंगे। और इसी तरीके से 3 मोल ऑफ C2H6 को ब्रेक करने पर मुझको यहाँ पर मिलने वाले हैं 18 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक, ये यहाँ पर सॉल्व हो गया। उसके बाद उन्होंने पूछा है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेन बताओ। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेन के लिए हम क्या करते हैं, एक नई स्लाइड ले लेते हैं। आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि जब भी हम बात करते हैं 1 मोल की, तो 1 मोल क्या है, इट रिप्रेजेंट नंबर, नंबर ऑफ यूनिट, या फिर हम बोल सकते हैं ऑब्जेक्ट, या फिर इवन तुम बोल सकते हो एटम। ठीक, जैसे 1 डजन की जब बात हो तो हमको सिंपली पता होता है कि 12 एटम्स की बात चल रही है। ठीक, ऐसे ही जब 1 मोल की बात होती है तो यहाँ पर 6.022 × 10²³ एटम्स की बात होती है। ठीक, अब एटम्स की जगह पर हम कुछ भी यूज कर सकते हैं, इन्होंने यहाँ पर यूज किया है मॉलिक्यूल, यहाँ पर यूज किया है इन्होंने मॉलिक्यूल। ठीक, तो ये कह रहे हैं कि भाई जो 3 मोल्स जो है, 3 मोल्स C2H5 के, H6 के, तो इसके अंदर ये बताना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, यानी कि C2H5 के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, ये हमको आंसर करना है। ठीक, तो हमको कुछ नहीं करना, जितना भी 1 मोल के अंदर अगर इतने होते हैं तो 3 मोल के अंदर कितने हो जाएंगे, 3 मोल के अंदर 3 गुना हो जाएंगे, तो हम लिख देंगे 3 × 6.022 × 10²³ मॉलिक्यूल किसके, इथेन के। ठीक, अब अगर आप इसको आंसर में वैल्यू डालोगे तो आपको पता चलेगा 3 × 6 6 0.18 × 10²³। हम इसको और बनाते हैं तो हमको मिल जाएगा 1.8066, ये हमारा पहला 6 हो गया, 6 × 10²³ मॉलिक्यूल। इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये बिल्कुल आसान है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर जाते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन करना भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ऑलराइट, तो यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को करेंगे, उससे पहले हम समझते हैं कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है। ऑलराइट, क्वेश्चन इज रियली रियली इंटरेस्टिंग, क्योंकि एक मोलरिटी से लिया हुआ क्वेश्चन है। ठीक, तो क्वेश्चन देखो आप पहले, फिर उसके बाद हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, यहाँ पे इन्होंने बोला क्या है पहले ये समझते हैं। ओके, ये कह रहे हैं यहाँ पर कि डेंसिटी ऑफ मैथेनॉल इज दी, ये क्या है, डेंसिटी है 0.793 kg/L। ठीक, वो भी पर लीटर, याद रखना यहाँ पर टर्म यूज हुआ है पर लीटर, यानी कि पर लीटर की जो डेंसिटी है वो इतनी दे रखी है। ठीक है, कह रहे हैं व्हाट इज इट्स वॉल्यूम नीडेड फॉर मेकिंग 2.5 लीटर ऑफ इट्स 0.25 मोलर सोल्यूशन। इतना मोलर सोल्यूशन बनाने के लिए हमको कितने इस तरीके से बात पूछी गई है कि कितने मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी, और मैथेनॉल की डेंसिटी है, हम इतना मटेरियल हमको इसके अंदर क्या कर देना है, डिजॉल्व कर देना है, मतलब इतने मटेरियल से इतनी मोलर का हमको सोल्यूशन बनाना है। ठीक, अब इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। ठीक, लेट्स सी, क्वेश्चन की डिमांड को समझते हुए पहली चीज़ हमको देखना है, इन्होंने बात की है यहाँ पर मैथेनॉल की,
ठीक, पहली बात की है ना मैथेनॉल। ठीक, अगर मैं कहूँ मैथेनॉल की बात करूँ मैं यहाँ पर, तो मैथेनॉल का फॉर्मूला जो होता है वो होता है CH3OH। तो सबसे पहले हम मैथेनॉल का क्या निकालेंगे यहाँ पर, मोलर मास निकालेंगे। ठीक है, हम मोलर मास निकाल लेते हैं, तो मोलर मास हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा, एक कार्बन है तो इसका 12 होगा, और यहाँ पे तीन और एक चार हाइड्रोजन है तो इसको हम 4 लिख देंगे, ऑक्सीजन का 16 होता है तो हम 16 लिख देंगे। और हम देखते हैं यहाँ पर वैल्यूज को जब रखते हैं, 16 4 20, 20 और 12, यहाँ पर हो गया हमारे 32 ग्राम, हमको ये चीज़ मिल गई यहाँ पर। ठीक है, फिर उन्होंने क्या बोला है, बोला है कि भाई देखो जिसकी डेंसिटी है, मानी जो डी है वो दे रखा है इन्होंने 0.793 kg/L। ठीक है, तो वैल्यू इस बार लीटर में दी है, तो हमने सपोज करो वॉल्यूम मान लिया कि इसका वॉल्यूम है 1 लीटर। ठीक, तो अगर हम डेंसिटी का फॉर्मूला लगाएं तो हमको पता है डी बराबर होता है m/V। हमको निकालना क्या है, मास, तो हम क्या करते हैं इसको मास बराबर इक्वल टू d/V। ठीक, और जो मास निकल के आएगा वो हमारा कितना आ जाएगा, b कितना है हमारा 0.793 kg, ठीक, इंटू 1 लीटर, और इसका अपॉन में भी दिया लीटर, तो लीटर से लीटर कैंसिल हो गया और हमारे पास वैल्यू कितनी है 0.793 kg। ठीक है, ये kg में वैल्यू किसकी आ गई है, मास की आ गई है, ये पूरा मास किसका है, सोल्यूशन का। ठीक, तो इतना हमको सोल्यूशन का मास मिल जाता है कि भाई पूरे का पूरा जो मटेरियल है, जो सोल्यूशन है उसका मास इतना आ गया। ठीक, तो इन्होंने पूछा है कि व्हाट इज इट्स वॉल्यूम नीडेड फॉर मेकिंग 2.5 लीटर ऑफ इट्स 0.25 मोलर सोल्यूशन। आपको क्या करना है, इसको 2.5 लीटर में बनाना है, 2.5 लीटर, और साथ में दिया है उन्होंने मोलरिटी 0.25 मोलर। ठीक, इतने में बनाना है और इतना मटेरियल यूज करना है, दैट्स इट। तो इसमें जो वैल्यूज आई है ये किसमें आई, केजी में, तो हम इस वैल्यू को क्या कर देते हैं, इस मास को क्या कर देते हैं, ग्राम में कन्वर्ट कर देते हैं। जब भी हम इसको ग्राम में कन्वर्ट करेंगे केजी से, तो हम क्या कर देंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1000 से करने पर केजी। ठीक है, कैसा आ जाएगी, इस बात को आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल इतना आप जानते होंगे कि 0.793 kg दिया है। ठीक, अब मुझको इसको ग्राम में कन्वर्ट करना है, ठीक, मुझे इसको ग्राम में कन्वर्ट करना है, हम क्या करूँगा कि इसके अंदर क्या होंगे, 1000 ग्राम होंगे किसके अंदर, 1 kg के अंदर। अब kg से kg कट जाएगा और जब 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 0 हैं, यहाँ पर 3 के बाद पॉइंट है, तो हमारे पास 793 आ जाएगा, वो भी किसमें, ग्राम में, क्योंकि यूनिट हमारे पास यही बची है। अब ये ग्राम्स आए हैं, इससे क्या निकालेंगे, हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मैथेनॉल क्या है, ये CH3OH। ठीक, अब इसमें वेट कितना दिया है, इसका मास कितना दिया है, 793। ठीक, और इसको डिवाइड कर देना है हमको कितने से, जो इसका मोलर मास निकाला था हमने 32 से, जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा यहाँ पर 32 टाइम्स जाएगा, और देन 4.77 और 7.8 के समथिंग आप मान के चलो। ठीक, तो इतना क्या आ जाएगा, मोल पर लीटर की वैल्यू हमारे पास आ गई। ठीक, तो ये क्या आ गया, इस तरीके से हमारे पास यही इसकी मोलरिटी है और यही क्या है इसका यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स है। ठीक, लेकिन मैं फिर भी क्या करता हूँ, यहाँ पे वैल्यू निकाल के दिखा देता हूँ आप लोगों को। ठीक, जैसे फॉर एग्जांपल हमको एक बार नंबर ऑफ मोल्स मिल गया, नंबर ऑफ मोल्स मिल गया, मोल्स मिले, ठीक, तो हमारे पास कितने मिले, 24.78 मोल मिल गए। ठीक, अब मैं इस सोल्यूशन के अंदर जो भी हमारे पास सोल्यूशन दिया था स्पेसिफिक, जिसकी डेंसिटी वगैरह थी, अगर मैं उसकी मोलरिटी कैलकुलेट करूँ, मोलरिटी, तो वो क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड वॉल्यूम, वो भी कितने लीटर। ठीक, हम जानते हैं नंबर ऑफ मोल्स कितने थे, 24.78। ठीक, अब ये बताओ नंबर ऑफ मोल्स ये थे तो इसका वॉल्यूम क्या था, अगर हम पीछे जाकर देखें इसके वॉल्यूम को,
जो कि हमको यहाँ पर मिल जाएगा, हमने कितना वॉल्यूम ले रखा है 1 लीटर, तो हम यहाँ पर भी क्या रख देंगे, इसकी वैल्यू को 1 लीटर ही रखने वाले हैं। और जब हम इसको 1 लीटर वैल्यू रखेंगे तो हमको पता है हमारा आंसर क्या देगा, 24.78 मोल पर लीटर। दैट्स इट। इस तरीके से क्या है हमारी वैल्यू यहाँ पर आ जाती है, क्योंकि हमारा वॉल्यूम क्या था, पूरा 1 लीटर लिया गया था। दैट्स वाई ये वैल्यू यहाँ पर क्लियरली आ जाएगी। अब हमको क्या करना है, मूव करना है इसके साथ और सिचुएशन को समझना है कि सिचुएशन क्या क्या रही है। ठीक, तो सिचुएशन काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इन्होंने क्या कर रखा है, इन्होंने आपको बोल रखा है कि भाई देखो जो हमारा दूसरी, हमको इसी मिक्सचर को लेना है और इस मिक्सचर को अगर हम कितने मटेरियल में डिजोल्व करें कि हमारा जो अगला वाला मिक्सचर जो आएगा, कितना वॉल्यूम अगर हम डिजोल्व कर दें जिससे कि अगला वाला जो मिक्सचर आ जाए उसकी मोलरिटी जो हो जाए वो 0.25 हो जाए, और टोटल जो वॉल्यूम हो जाए सोल्यूशन का, यानी कि अगर हम इसको एम टू कर दें और इसको बी टू कर दें, तो वो कितना हो जाए, 2.5 लीटर हो जाए। ठीक, तो ये चीज़ बतानी थी हमको। तो ऑफ कोर्स हमको कितना मटेरियल, तो हम इसके लिए फॉर्मूला बना लेंगे, कौन सा, एम वन बी वन इक्वल टू एम टू बी टू। ठीक, अब हमको पता है यहाँ पर कि हमारा ये रहा बी टू, ये रहा हमारा एम टू, ये बी टू वाला आ गया, ये एम टू वाला आ गया। हमारा एम वन हमने अभी निकाला है जस्ट, और हमको कितना ऐड करना है वो हम अब निकाल लेंगे। ठीक, तो चलो वैल्यू रखते हैं, ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 24.78 इंटू बी वन हमको नहीं पता, ये हम कैलकुलेट करके निकालेंगे। एम टू हमको दे रखा है उन्होंने 0.25 इंटू बी टू दे रखा है इन्होंने 2.5। ठीक है, चलो जी बी वन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 0.25 को ऊपर ही रख देंगे, 2.25 को यहीं पर रहेगा मल्टीप्लाई में और ये पहुंच जाएगा डिवाइड में 7.8। ठीक, और जब हम इसको क्या करते हैं, नीचे वाली वैल्यू से ऊपर वाली वैल्यू को डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास वैल्यू आती है 0.02252, और ये सारी वैल्यू किस में थी, लीटर में थी, तो वैल्यू यहाँ पर भी क्या आ जाएगी, लीटर के अंदर ही वैल्यू आ जाएगी। ठीक, तो यानी कि हमारा वैल्यू कितना है, बी वन आ गया हमारा 0.02522 लीटर। अंडरस्टैंड, अब ये लीटर में, अब हमको क्या करना है कि इसके अंदर ml में अगर कितना ऐड करना होगा, तो ml से जब लीटर में कन्वर्ट करते हैं तो हमको पता है इस बार भी वैल्यू में क्या होता है, ये हमारी वैल्यू थी किस में, लीटर में इंटू, और हमको निकालना है किसमें, ml में, तो हम ऊपर क्या रख देंगे, 1000 ml होते हैं किसमें, 1 लीटर में, लीटर से लीटर कट जाएगा, और जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पर क्या है, 3 जीरो हैं, तो यहाँ के पॉइंट कितने के पीछे पहुँच जाएगा, 3 के पीछे पहुँच जाएगा, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 25.22, और इसका ml ये सा वाला कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर। तो हम कहेंगे कि अगर हम सोल्यूशन के अंदर सिर्फ और सिर्फ 25 ml को ऐड कर दें तो उसकी मोलरिटी जो है वो हो जाएगी 2.025 मोलर। दैट्स इट। सिर्फ इतना वॉल्यूम ऐड करने से क्या होगी, उसकी मोलरिटी रिड्यूस होकर हो जाएगी इतनी। ठीक है, तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं हम, इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जिनके खास तौर से ध्यान रखना है, उसके ऊपर अगर आप ध्यान देंगे तो आपके क्वेश्चन का आंसर निकल कर आ जाएगा। ऑलराइट, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, साथ ही यहाँ पर हमको कुछ चीज़ों को समझना है जो ग्रेटली क्वेश्चन की वैल्यू को इम्पैक्ट करती है। ऑलराइट, अब क्वेश्चन आता है हमारा अगला, जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं कि प्रेशर इज डिटरमाइंड एज, जो प्रेशर होता है वो डिटरमाइंड किया जाता है फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक, तो हम जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, एफ इजिकल पी इजिकल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी कि ए डिवाइड बाई ए, यानी कि किसी एक प्लेस पर, किसी एरिया पर लगने वाले फोर्स को हम क्या बोलते हैं, प्रेशर बोलते हैं। और जो SI यूनिट है इसकी प्रेशर की, वो होती है पास्कल, जनरली पास्कल का यूज़ किया जाता है, और एक पास्कल बराबर होता है 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर के, 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर के। ठीक, अब कह रहे हैं इफ द मास ऑफ एयर एट सी लेवल, ये रहा मास ऑफ एयर, यानी कि 1034 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर के, तो कैलकुलेट द प्रेशर इन पास्कल, तो इस प्रेशर को आपको पास्कल में कैलकुलेट करके दिखाना है।
ये क्वेश्चन काफ़ी काफ़ी हद तक इंटरेस्टिंग हो जाता है अगर हम इस चीज़ को जानने की कोशिश करें, ठीक। क्योंकि देखिए, आपको कुछ भी आता हो, लेकिन वन थिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि यूनिट ऑफ द यूनिट कन्वर्जन इन एनी केस। तो यहाँ पर आपको यूनिट कन्वर्जन ही सिखाया जाएगा, ठीक है। तो उन्होंने पहले दिया है कि भैया प्रेशर जो है आपके पास वो दे रखा है इन्होंने कि, मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, P इजिकल टू 0.034 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और ये क्या है, सी लेवल पे है या सी सरफेस पे है। बहुत अच्छे, ठीक। अब हमको देखना है कि भाई प्रेशर की जो यूनिट होती है वो क्या होती है। तो प्रेशर के अंदर अगर हम बात करें तो प्रेशर होता है हमारा किसी एरिया पे लगाया गया फोर्स, ठीक। अब बात कर लेते हैं फोर्स की। तो फोर्स के लिए जो होता है वो होता है किसी चीज़ का मास इनटू साथ में एक्सेलरेशन अपॉन एरिया, ठीक है। अब देखो, अगर बात चल रही है एक्सेलरेशन की, तो सपोज करें कि अगर वो ऑब्जेक्ट जो था जिसके ऊपर जितना प्रेशर लग रहा है वो था 1034 ग्राम, यानी कि इतना उसका मास था प्रेशर का, ठीक। अब चीज़ों की ग्रेविटी यानी कि एक्सेलरेशन मतलब ग्रेविटी वो कितनी होती है, हम जनरली मान के चलते हैं 9.8 मीटर और साथ में पर सेकेंड, ठीक। अब बात चल रही है एरिया की, तो एरिया को हम लेते हैं हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर, और उन्होंने दे भी रखा है सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको कन्वर्ट करना है हमको पास्कल में, ठीक है। तो कुछ चीज़ों का खास तौर से ध्यान रखना पड़ेगा, दैट इज़ अ यूनिट कन्वर्जन, ठीक। तो पास्कल में कन्वर्ट करने के लिए हमको हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि हमारी यूनिट जो आनी चाहिए वो SI वाली आनी चाहिए, ठीक। तो हम जब वैल्यू को रखेंगे तो देखें आप, जैसे मैंने ये यहाँ पे वैल्यू ली कि 1034 ग्राम इंटू 9.8 इंटू, इस इंटू को हटा देंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, मीटर पर सेकंड, ठीक, सेंटीमीटर स्क्वायर। पहली चीज़ है ग्राम, ग्राम में कभी भी ऐसा यूनिट नहीं आती, तो हम इसको कन्वर्ट करते हैं केजी में। तो हमको क्या करना पड़ेगा, 1 केजी, और हम जानते हैं 1 केजी के अंदर कितने होते हैं, 1000 ग्राम। ऑलराइट, फिर इसके बाद आइए नीचे वाली यूनिट हमारी सेंटीमीटर, और कितने टाइम है, 2 टाइम है, ठीक। तो 2 टाइम हमको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, मीटर में। तो हम इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 2 टाइम करना है हमको, तो 100 सेंटीमीटर होते हैं किसमें, 100 सेंटीमीटर होते हैं हमारे पास 1 मीटर के अंदर, ठीक। और अगर 2 बार हो जाए तो इसकी पावर 4 हो जाएगी, यानी कि हम एक बार और लिख लेते हैं, चलिए इसको 100 सेंटीमीटर, फिर से 1 मीटर में। और दूसरी चीज़ हमारे पास बचती है, अब यहाँ तक जब हम पहुँच जाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएंगी, सारी वैल्यूज कलेक्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो ग्राम है ये ग्राम कैंसिल कर देगा इस ग्राम को, ठीक। ये जो सेंटीमीटर का स्क्वायर है ये सेंटीमीटर कन्वर्ट कैंसिल कर देगा इस सेंटीमीटर को, ठीक है। और ये जो मीटर है, ठीक है, ये सा वाला जो मीटर है ये कैंसिल कर देगा इस वाले मीटर को, ऑलराइट, ठीक है। इसके बाद क्या होता है हमारे पास, जो ये पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, मैं मेरे दिमाग से स्लिप हो गया था, ये पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, ठीक। अब यहाँ पर हमारे पास जो यूनिट आई है वो कितनी आई है ये देख लेते हैं, ठीक है। इसके 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, इसके 1 जीरो से ये 0 कट गया, और हमारे पास आ गया 1034 इंटू, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी इसकी और इसकी, तो हो जाएगा 98, और यहाँ पर हमारी वैल्यू निकल कर आएगी केजी, केजी पर मीटर पर सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का स्क्वायर, यानी कि हमारी ए सी वाली वैल्यूज निकल के आ जाती हैं, ठीक। तो ए सी वाली वैल्यूज जब भी आप कहीं पर देखें, ठीक, तो इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि जब भी आपसे बोला जाए कि इसको अगर न्यूटन में कन्वर्ट करना हो तो हम क्या करते हैं कि 1 न्यूटन जो होता है ना वो बराबर होता है किसके, के जी मीटर सेंटीमीटर का रिवर्सिबल के, अंडरस्टैंड, इसके बराबर क्या हो जाता है हमारा, 1 न्यूटन हो जाता है, ठीक। और 1 न्यूटन की जब बात होती है तो अगर हम इसको पास्कल में कन्वर्ट करेंगे तो 1 पास्कल जो होता है हम जानते हैं वो होता है न्यूटन मीटर रिवर्स के,
ठीक है। अब देखो इसकी काट पीट कर देते हैं। ये आ गया हमारा, यहाँ पे हमारा मीटर रेखा है, यहाँ पे भी हमारा मीटर रेखा रहा दे रखा है, तो ये दोनों मीटर क्या हो जाएंगे, कैंसिल कर देंगे इसको रिवर्स वाले को, ठीक है। ये क्या है, -2 में है, तो ये करेगा कैंसिल इसको, ठीक है। ये सा वाला जो है हमारा केजी, वो केजी को कैंसिल कर देगा, और ये न्यूटन जो है हमारा न्यूटन को कैंसिल कर देगा, और हमारी वैल्यू जो इन द एंड आने वाली है, इन सबको मल्टीप्लाई करने के बाद वो आने वाली है हमारे पास 1034 × 98 ऑलराइट पास्कल, ठीक है। तो ये वैल्यू हमारी यहाँ पर निकल के आ जाती है जब हम इनका मल्टीप्लिकेशन कराते हैं। तो आप इसकी वैल्यू को निकालने के बाद जो भी यहाँ से वैल्यू निकल के आएगी वही क्या होगी, हमारे पास्कल में वैल्यू होगी। तो यहाँ पे जो यूनिट का कन्वर्जन हुआ है ना, उस चीज़ को आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, ठीक। तो मैं एक बार इसी को चीज़ के ऊपर थोड़ी डिटेल में बात कर लेता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे कोई कहता है 1 मीटर, ठीक, तो 1 मीटर के अंदर जो सेंटीमीटर होते हैं वो होते हैं 100, ठीक है। अगर आपसे कोई कहता है 1 kg, तो 1 kg में जो ग्राम होते हैं वो होते हैं 1000 ग्राम, ठीक। बच्चे क्या होते हैं, इन दोनों में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक। तो सेंटीमीटर और केजी के अंदर ये डिफरेंस है, ठीक। ओके, अगर हम बात करते हैं, ये 100 होता है और ये 1000 होता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम 1 न्यूटन की, तो न्यूटन के अंदर जो होता है वो होता है 1 kg मीटर पर पर सेकेंड, ठीक, पर सेकेंड स्क्वायर। इसको पर सेकेंड स्क्वायर भी लिख सकते हैं, जैसे कि ऐसे केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक। मुझे थोड़ा ये रिवर्स को बोलने में थोड़ा परेशानी होती है, मतलब मुंह से निकल नहीं पाता एकदम से, दैट्स वाई, ठीक। उसके बाद क्या करते हैं, 1 पास्कल, ठीक। अगर पास्कल की बात होती है तो पास्कल में होता है 1 न्यूटन, और जो मीटर है वो रिवर्स का 2 रहेगा, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब ये 1 न्यूटन और ये इसकी पावर हो जाएगी एम की, मीटर की पावर हो जाएगी -2, ठीक। अब यहाँ पर जो न्यूटन आया है, न्यूटन की जगह हम रख सकते हैं सपोज करें केजी को, तो हम अगर केजी रखें यहाँ पर न्यूटन की जगह, तो आ जाएगा केजी पर मीटर, केजी मीटर पर सेकंड, और नीचे पहुँच जाएगा हमारा मीटर का स्क्वायर। तो 1 मीटर से 1 मीटर कट गया, तो हमको यहाँ पर मिलता है केजी मीटर की पावर -1 और सेकेंड की पावर -2। ये क्या हो गई हमारे पास वैल्यू हो गई किसकी, पास्कल की, ठीक है। जनरल सी वैल्यू है जिसको हम अगेन अगेन यूज़ करके इस चीज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक। अब पास्कल को तुम यहीं से रिलेट कर सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं पी इज इक्वल टू फोर्स अप्लाइड अपॉन पार्टिकुलर एरिया, ठीक। तो अगर ये जो है वैल्यू, ये पास्कल की वैल्यू जो है, अगर मैं इसको मानता हूँ न्यूटन, तो एरिया को अगर मैं एसआई यूनिट में लूँगा, एसआई यूनिट में, तो मैं क्या लूँगा, मीटर का स्क्वायर, इसी को हम लिख देते हैं बस न्यूटन मीटर की पावर -2, ऑलराइट। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आ रही है फोर्स वाली बात, तो फोर्स की बात यानी कि एफ का पावर होती है मास इंटू ग्रेविटी, ठीक, मास इंटू ग्रेविटी। मास के लिए लेते हैं हम केजी, और ग्रेविटी के लिए लेते हैं हम मीटर पर सेकेंड की पावर 2, ठीक है। ये किसके लिए ले लेते हैं हम, ग्रेविटी के लिए ले लेते हैं, तो यहाँ पर ये आ जाएगा। जैसे कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, अगर हम उसमें बात करें एक्सेलरेशन के फॉर्मूले में, तो इस पॉइंट को भी क्लियर कर लूँ। जैसे फॉर एग्जांपल जब आपसे बोला जाता है कि ए इज इक्वल टू होता है चेंज इन वेलोसिटी विद द टाइम, अब जो चेंज इन वेलोसिटी है, जो वेलोसिटी होती है ना, वेलोसिटी दैट इज होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक। जैसे स्पीड का फॉर्मूला होता है ना, वही डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस के लिए तो हम हमेशा एम ही यूज़ करते हैं, और टाइम के लिए यूज़ करते हैं सेकंड, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम है, यहाँ पे हो जाएगा एम अपॉन सेकेंड इंटू, और यहाँ पे टी की जगह ले लेंगे हम, सेकेंड की जगह एस, तो हमारे पास जो यूनिट आएगी मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, और इसी को लिख सकते हैं हम मीटर सेकेंड की पावर 2, ऑलराइट। इस तरीके से क्या होते हैं हमारे फॉर्मूलों की एसआई यूनिट बनती है। तो ये बिल्कुल सिंपल है, इस चीज़ को बड़ी आसानी से हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक। और इस चीज़ को समझने के बाद फॉर्मूले के अंदर जो भी उसकी यूनिट हो उसको एक से दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं, ऑलराइट।
इसके बाद क्या करना है हमको, नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचना है, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमको जाना पड़ेगा यहाँ पर। ऑलराइट, इस क्वेश्चन में इन्होंने क्या किया है, अगला क्वेश्चन जो पूछा है, मुझे लगता है इसके लिए कुछ लेने की ज़रूरत भी नहीं हो पड़ेगी। ठीक है, ये रहा हमारा क्वेश्चन। ऑलराइट, लेट मी क्लियर इट, और मैं ले लेता हूँ तुम्हारा फेवरेट वाला कलर, ये तो दिखेगा नहीं तो ग्रीन ले लेते हैं, चलो ठीक है, यही ठीक है। कहते हैं SI यूनिट, यहाँ पे बोला है उन्होंने SI यूनिट बतानी है हमको, किसकी, वो भी मास की, LOG, मास की यूनिट बतानी है। ठीक है, तो जब भी हम मास की यूनिट की बात करते हैं तो मास की यूनिट हम जनरली जो SI के अंदर यूज़ करते हैं, ठीक उसी की बात कर लेते हैं। तो SI के अंदर हम जिस यूनिट का यूज़ करते हैं वो होती है KG। ठीक, मास की यूनिट यूज़ करते हैं हम, वो यूज़ करते हैं हम KG, यानी कि हम मास को हमेशा KG के अंदर ही मेज़र करते हैं। ठीक है, किलोग्राम, यहाँ पर SI यूनिट हो जाएगी मास की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसके बाद, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे अब। लेट्स स्टार्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने क्या बोला है, बोले कि मैच द फॉलोइंग प्रीफिक्सेस विद देयर मल्टीपल्स, यानी कि इनके जो मल्टीपल्स हैं उनके साथ इसको बस मैच करा दो। ठीक है, इससे अच्छी क्या बात होगी, जैसे फॉर एग्जांपल तुमने वर्ड सुना होगा माइक्रो। ठीक, माइक्रो माने बहुत छोटा, कितना छोटा कि लगभग लगभग जैसे हम बात करते हैं ना जनरली 1 लाख में कितने जीरो होते हैं। ठीक, तो जब मैं कभी लिखूं, सपोज करो 1 लाख लिखता हूँ मैं। ऑलराइट, अब ठीक है, अगर सपोज करो मैं 1 लाख लिखता हूँ तो मैं कैसे लिखूंगा कि भाई ये रहा 1, तो इसको इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। ठीक, तो कितने जीरो हो गए, इसमें 5 जीरो हो गए। ठीक, अगर मुझको मिलियन करना हो तो मैं कर दूंगा 6 जीरो। ऑलराइट, अब ये मैक्रो जो है ना, मैक्रो इट इज इट सेल्फ अ रिवर्स ऑफ मिलियन। ठीक, तो मिलियन के अंदर जितने जीरो होते हैं, जैसे 10 की पावर 6 होते हैं मिलियन में, मैंने ऐसे याद किया था ये, 10 की पावर 6 होते हैं मिलियन में। ठीक, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर 10 की पावर -6 हो जाना चाहिए। ठीक है, 10 की पावर क्या हो जाए, -6 हो जाए, तो इसका मतलब इसका जो जोड़ा बनेगा वो किसके साथ बन जाएगा, इसके साथ बन जाएगा। अगला दिया है डेका, नॉर्मली जब भी बात चलती है ना डेका की, ठीक, तो डेका मतलब 10। ठीक, इसमें नॉर्मली क्या करते हैं, जहाँ पे कार्बन 10 होते हैं ना, जिस कंपाउंड के अंदर कार्बन 10 होते हैं वहाँ भी यूज़ करते हैं हम डेका। ठीक है, और तुमको याद होगा 10th के अंदर हमने एक पढ़ा था वो सोडियम, उसका नाम था सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट कुछ ऐसा फॉर्मूला है इसका, Na2CO3.10 टाइम H2O। जब इसको क्रिस्टलाइज करते हैं तो इसके अंदर 10 वाटर मॉलिक्यूल आके जुड़ जाते हैं, इसको बोलते थे हम डेकाहाइड्रेट। डेका का मतलब होता है कि जिसके अंदर 10 वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट हो, उसको डेकाहाइड्रेट बोल देते हैं। तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन वो आ जाएगा, ये सवाल है, तो ये तो बिल्कुल सिंपल हो गया, डन। अब आता है मेगा, मेगा इट सेल्फ मिलियन, तो जब भी तुमने बात सुनी कि मेगा की बात चल रही है तो मेगा का मतलब ही होता है मिलियन। ठीक, तो इसका मिलियन का मतलब 10 की पावर, ये इसका आ गया। ठीक, अब बचा हमारे पास गीगा और फेमटो। देखो जब भी बात चलेगी गीगा की, गीगा, ठीक, तो गीगा से पहले हम समझ लेते हैं फेमटो। तो फेमटो जो है ना, जब आप टेबल देखोगे ना, जो तुम्हारी बुक में टेबल दी है, तो सबसे लास्ट वाला नंबर है ना, उसमें 2-4 नंबर जो आते हैं लास्ट में, यानी कि वो तो -22 तक पहुँचा दिया उन्होंने, तो उसके अंदर से जो फेमटो है वो बहुत ज़्यादा निगेटिव नंबर है। इसका मतलब यहाँ पर भी सबसे ज़्यादा निगेटिव नंबर है 15, तो -15, तो जिसकी भी पावर -15 है वो क्या हो जाएगा, फेमटो हो जाएगा। अब गीगा के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा है, और वो है हमारे पास 10 की पावर 9। ठीक, तो 10 की पावर 9 जो हो जाती है वो गीगा हो जाती है, और गीगा का उल्टा होता है एंगस्ट्रॉन्ग। ठीक, जिसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं कि गीगा का मतलब क्या होता है। ठीक है, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, और ये बता रहा है यहाँ पर कि भैया ये बता दो हमको कि सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या हैं, व्हाट डू यू मीन बाय सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक, जब भी आप क्या करते हो, डिजिट्स इन प्रॉपरली रिकॉर्डेड मेजरमेंट आर नोन एज सिग्निफिकेंट फिगर्स, यानी कि जो प्रॉपरली रिकॉर्डेड मेजरमेंट्स होते हैं ना, जो ठीक से रिकॉर्ड किए गए हों, उनको क्या बोलते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स बोलते हैं। ठीक,
तो इसी चीज के बारे में क्या है, सिग्निफिकेंस फिगर्स यहाँ पर स्टैंड फॉर करता है कि जो भी चीज प्रॉपरली जो उसके रिकॉर्डेड मेजरमेंट्स है दे आर कॉल्ड सिग्निफिकेंस फिगर्स। इसके बारे में कुछ ज्यादा मतलब ऐसा कोई बड़ी बात है नहीं कि नॉर्मली क्या होता है, इसमें क्वेश्चन भी बनते हैं ना, तो वो आपसे ये पूछेंगे कि इसकी एप्लीकेशन क्या है या इसको लिख कैसे सकते हैं, लेकिन कभी भी कोई ये नहीं पूछता कि इसकी सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है वगैरह वगैरह। ठीक, ये तो नॉर्मल सी चीज़ है। अब आगे हम बात करने वाले हैं जो उससे अगला का सा क्वेश्चन है, इसको अगर छोड़ भी दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑल राइट, यहाँ पर हम बात करेंगे इस क्वेश्चन के बारे में, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो इसको समझ के चलें कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है और इसमें कौन सी ऐसी चीज़ें जो इसको इंपॉर्टेंट बनाती है। उन्होंने बोला कि सैंपल है ड्रिंकिंग वाटर का, वॉज फाउंड टू बी सीवरेली कंटेमिनेटेड विद द क्लोरोफॉर्म, यानी कि जिसके अंदर बहुत ज़्यादा क्लोरोफॉर्म का कंटेमिनेशन है। ठीक है, कंटेमिनेशन क्या होता है क्लोरोफॉर्म का, क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला यहाँ पे दे रखा है इन्होंने, इन्होंने क्लियरली मैंशन किया है यहाँ पर कि इसका फॉर्मूला है CHCl3। कह रहे हैं सपोज टू बी कार्सिनोजेनिक, कार्सिनोजेनिक को समझ लो, ये कार्सिनोजेनिक का मतलब होता है कि ऐसी चीज़ें जो कैंसर कर दे, यानी कि इंसानों के अंदर कैंसर कर दे, ठीक, उन्हें बोलते हैं कार्सिनोजेनिक, यानी कि कार्सिनोजेनिक मतलब कैंसर प्रोड्यूस करने वाली चीज़ है। लेवल ऑफ कंटामिनेशन इन्होंने दे रखा है यहाँ पे 15 PPM, ये होता है पार्टिकल पर मिलियन बाई मास, और वो भी बाई मास है। ठीक, तो पार्टिकल पर मिलियन की जब बात आती है तो पार्टिकल मतलब एक मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल पर मिलियन के केस की बात चल रही है, तो यहाँ पे पार्टिकल पर मिलियन, यानी कि अगर वाटर के जो मॉलिक्यूल हैं वो 1 मिलियन होंगे तो उसके अंदर एक पार्टिकल किसका होगा, वो क्लोरोफॉर्म का होगा। ठीक है, इनका मतलब ये है। ठीक, अब हम जानते हैं मिलियन की पावर होती है 10 की पावर 6। ठीक, अब इन्होंने इसके साथ में वर्ड ऐड कर दिया है मास, इन्होंने कहा कि एक्सप्रेस दीज इन परसेंट बाई मास, यानी कि तुमको बस ये बताना है कि भाई परसेंट बाई मास क्या होगा। तो सिंपल सी बात है, हमको कुछ नहीं करना इसके अंदर, बस हमको एक चीज़ कर देनी है और वो हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। जैसे परसेंट बाई मास की बात बोली है इन्होंने, तो देखो इसमें क्या आएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ क्लोरोफॉर्म, और इसको डिवाइड कर देना है टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स से, ठीक, और इंटू करना है कितने के साथ, 100% के साथ। ऑलराइट, अब देखो नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ क्लोरोफॉर्म की जब हम बात करते हैं तो इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं कितने, 50, सब जानते हैं, अभी हमने क्वेश्चन में देखा कि कितने बता रहा था वो, नंबर ऑफ पार्टिकल 15, और टोटल पार्टिकल तो बड़ी बड़ी नंबर ले लेते हैं तो उसको हम ले लेंगे 10 की पावर 6, यानी कि 1 मिलियन इंटू 100 जब हम करेंगे तो हम देखेंगे 10 की पावर कहाँ जाएगी, ऊपर जाएगी, तो हमारे पास जाएगा 15 × 100 × 10 की पावर -6। इस 100 को इसको ऊपर ले जाओ तो हमारे पास वैल्यू हो जाएगी 15 × 10 की पावर -4। अगर मैं क्या कर दूँ इसको 1.5 लिख दूँ तो ये हो जाएगा 10 की पावर -3, और यही क्या है हमारी परसेंटेज है, किसकी परसेंटेज, बाय मास की। ठीक, तो इतनी परसेंटेज बाय मास इसके अंदर प्रेजेंट है। ठीक, अब एक बार फिर से वापस चलना पड़ेगा, और वो इसलिए क्योंकि अब हमको दूसरी साइड भी देखनी है इसकी, तो दूसरी साइड में वो दूसरा क्वेश्चन पूछ लेता है और इसमें कहता है वो डिटरमाइंड द मोलरिटी ऑफ द क्लोरोफॉर्म इन द वाटर सैंपल, यानी कि आपको मोलरिटी भी डिटरमाइन करनी है क्लोरोफॉर्म की इस सोल्यूशन के अंदर। ठीक है, हम तो बैठे इसलिए हैं, ठीक, तो कर देते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पर क्या है बच्चों, पहले निकालना पड़ेगा, जब आपको मोलरिटी का नाम आ जाए तो सिंपल सी बात है हमको मोलर मास तो निकालना ही पड़ता है। मोलर मास किसका, CHCl3 का, ये हमारा फॉर्मूला क्लोरोफॉर्म का। ठीक है, अब जब निकालेंगे तो कार्बन का होता है 12, एक हाइड्रोजन है तो 1 हो जाएगा, और 3 टाइम दिया है हमको क्लोरो क्लोरीन, तो हमको पता है इसका मास होता है 35.5। जब वैल्यूज हम आपस में करवाएंगे तो हमको पता है ये हो जाएगा 13, और 3 टाइम गया तो 5, और ये हो जाएगा 5 मतलब 15, और 16.6, और 9 और 10,
यानी कि इसको सबको अगर हम ऐड कर दें तो हमारी वैल्यू आ रही है यहाँ पर 119.5, वो भी ग्राम पर मोल। ठीक है, ये हमारी वैल्यू निकल के आ जाएगी। और हमने देखा था कि जो हमने परसेंटेज निकालते हैं ना, तो परसेंटेज के फॉर्मूले में हम हमेशा यूज़ करते हैं 100 ग्राम को। तो हम जानते थे कि जो 100 ग्राम है, 100 ग्राम ऑफ सैंपल है, वो कंटेंट करता था इसका मटेरियल या क्लोरोफॉर्म का मटेरियल कंटेंट करता था 1.5 × 10^-3 ग्राम। हमको ये पता था 100 ग्राम इतना कंटेंट करता था। ठीक, तो अगर मैं कहूँ आपसे कि अगर 100 ग्राम इतना कंटेंट करता है तो फिर 1 kg कितना करेगा, यानी कि एक तरीके से आप मान लो ये 1000 ग्राम या फिर भाई 1 kg कितना कंटेंट करेगा, ये हमको यहाँ पे बताना है। ठीक, तो 1 kg करने के लिए क्या हो जाएगा हमारे पास, 1.5 × 10^3। अब यहाँ पे क्या किया है, ओनली 10 ऐड किया है, तो इसको कर देंगे 10 से मल्टीप्लाई, और जब 10 से करेंगे मल्टीप्लाई तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1.5 × 10^-2 ग्राम। ठीक, तो इसमें ऐसा हुआ जैसे फॉर एग्जांपल 10 से हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया और 10 से हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये भी 1000 हो जाएगा और यहाँ की वैल्यू क्या हो जाएगी, थोड़ी सी कम हो जाएगी, यानी कि एक तरीके से थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी, 1.5 × 10^-2 ग्राम हो जाएगी। ठीक है, अब इस जगह पे जो सबसे खास चीज़ करनी है हमको, वो ध्यान रखना है कि हमको नंबर ऑफ मोल्स निकालने। तो जब हमने वाटर की बात की थी तो उसके अंदर इतने ग्राम है, कितने में, 1 kg के अंदर इतने ग्राम है, या 1 लीटर के अंदर इतने ग्राम है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम निकाल लेंगे इसकी वैल्यू, तो हम इसके नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स, मास कितना दिया है क्लोरोफॉर्म का, 1.5 × 10^-2। ठीक, और इसका मोलर मास कितना होता है, 119.5। जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमको वैल्यूज मिलती है यहाँ पर, लेट मी कैलकुलेट, ये इट्स बिकम 1.26 × 10^-4 मोल। ठीक, अब उन्होंने बोला है कि इसकी मोलैलिटी निकाल लो, मोलैलिटी। ठीक है, मोलैलिटी में होता क्या है, मोलैलिटी में होता है नंबर ऑफ मोल्स रखने और नीचे लिखना है सॉल्वेंट का मास। हम जानते हैं मोलैलिटी यानी कि नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास यही है, और सॉल्वेंट का मास दिया हमारे पास 1 kg। ठीक, और 1 kg है, दैट्स वाई हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, वही आ जाएगी 1.266 × 10^-4 मोलर मोलर। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी वैल्यू निकल कर आ जाएगी। तो इस क्वेश्चन में कुछ चीज़ों का खास तौर से ध्यान जो रखना था वो ये रखना था कि आपको चीज़ों को समझना है। ठीक, और समझना कैसे है, जैसे फॉर एग्जांपल पहली चीज़ जो आई थी इस क्वेश्चन के अंदर, वो बात कर रहे थे कि भाई ये बताना है आपको कि मिलियन होता कैसे है। ठीक, तो जब भी पार्टिकल पर मिलियन की बात हो, पार्टिकल पर मिलियन की बात हो, ये समटाइम भी होता है, पार्टिकल पर बिलियन भी होता है। ठीक, तो उसको दिखाते हैं पीपीबी से। ठीक, तो जब भी पार्टिकल पर मिलियन की बात हो तो इसका मतलब होता है कि जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं किसी भी सॉल्यूट के, वो डिजॉल्व हैं 10^6 के अंदर। ठीक, तो हम एक तरीके से ऐसा बोल सकते हैं कि जो इसके 15 पार्टिकल्स थे वो डिजॉल्व थे 10^6 के अंदर। ठीक, और अगर मुझे इसकी क्या निकालनी हो, मास परसेंटेज निकालनी हो, सपोज करें मुझे इसी की क्या निकालनी है, मास परसेंटेज निकालनी है, तो मैं क्या करता, सिर्फ और सिर्फ मास परसेंटेज निकालने के लिए परसेंटेज से इसको मल्टीप्लाई कर देता। ठीक, ये हमारी बाय मास परसेंटेज निकल आता। ठीक है, इस तरीके से, ऑल राइट, क्योंकि ये तो मेरा पहला ऑलरेडी सेट है, नंबर ऑफ पार्टिकल सोल्यूट के ये रहे और पूरे सोल्यूशन के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स ये रहे। अब ये जब 100 से करते हैं ना, तो ये सिर्फ और सिर्फ 100 ग्राम की बात कर रहा है, क्योंकि 100% मतलब 100 ग्राम, अगर हम इसको जनरली फिगर में लेंगे तो। ठीक, अब जैसे इन्होंने बोला था कि भाई देखो 100 ग्राम के अंदर ना नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है वो 1.5 × 10^-3 है, 3 ग्राम है 100 ग्राम में। तो अब मुझको करना है कि भाई मुझे तो जो ज़रूरत जो है वो 100 ग्राम की नहीं है, मुझे जो ज़रूरत है मुझे तो भैया 1000 ग्राम की। ठीक, तो मैं क्या करता, इधर भी मैं 10 से मल्टीप्लाई कर देता और इस साइड में भी 10 से मल्टीप्लाई कर देता,
और जब मैं करता हूँ तो ये हो जाता है मेरे पास कि 1000 ग्राम के अंदर जो होंगे वो हो जाएंगे 1.5 × 10^-2 ग्राम्स। ऑलराइट, इस तरीके से क्या करेंगे हम क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक, अब देखो जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, जैसे हम लोग बात कर रहे थे लास्ट वाली क्लिप में भी, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो रिलेवेंसी से लिया गया है। बिल्कुल, जो जिस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना जनरली, उसी तरीके के क्वेश्चन से उसको उठाया गया। दैट्स वाई इट्स बिकम इंटरेस्टिंग स्पेशली फॉर मी, कि मुझे ऐसा लगा कि ये यहाँ काफ़ी हद तक इंटरेस्टिंग है। इन्होंने यहाँ पे बोला क्या है, ये यहाँ पे बोल रहे हैं कि देखो भाई इसके अंदर, लेट मी चेंज द पेन, ब्लैक लेते हैं इस बार। इसमें इन्होंने बोला है कि ये कोई वैल्यू है, ठीक, इसको एक्सप्रेस करना है आपको साइंटिफिक नोटेशन में। साइंटिफिक नोटेशन का मतलब क्या, पहले तो ये समझ लो। साइंटिफिक नोटेशन का वैल्यू मतलब होता है कि किसी भी वैल्यू को इस तरीके से रिप्रेजेंट करना कि उसके अंदर नंबर्स जो है ना पावर्स में पहुंच जाए, ठीक, और वैल्यू क्या हो जाए, बहुत छोटी हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल ये वैल्यू जो है, हम अगर इसको याद रखें तो हम बोलेंगे 0.0048। ठीक, अगर मैं इसी वैल्यू को क्या करूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल पॉइंट कहाँ है, पॉइंट यहाँ पर है, ठीक, मैं क्या करता हूँ इस पॉइंट को उठाता हूँ यहाँ से, इस पॉइंट को यहाँ से उठाऊँ और इस पॉइंट को यहाँ ले जाऊँ, ठीक, तो मैं कैसे दिखाऊंगा, मैं दिखाऊंगा जैसे पॉइंट अगर मैं लेके गया इस जगह पर तो 4.8 × 10^। अब देखो 10^ कितना, 3 पॉइंट वापस गया है तो -3, यानी कि जब भी हम रिवर्स में जाते हैं तो हम दिखाते हैं -3, और जब भी हम फॉरवर्ड जाते हैं यानी कि अगर मैं जाऊं इधर लेफ्ट हैंड साइड में तो मैं दिखाऊंगा प्लस, और अगर मैं जाऊं राइट हैंड साइड में तब मैं दिखाऊंगा माइनस, यानी कि पावर के अंदर मैं माइनस को ऐड करूंगा। अब 3 डिजिट गया था तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा। और राइट, अब बात कर लेते हैं हम दूसरी वैल्यू की। जैसे फॉर एग्जाम्पल यही वैल्यू दे रखी है ना 234.00, इसको मुझे साइंटिफिक नोटेशन में करना हो, जैसे मैं बोलूँ 234, ठीक, तो इससे अच्छा मैं बोल सकता हूँ 2.34 × 10^। अब देखो इस पॉइंट को हम कितना लेके गए, 2 डिजिट लेके गए, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 2। ऑलराइट, ओके, नेक्स्ट वैल्यू देख लो, नो देखा है 8008, ठीक, तो मैं 8008 को एक दूसरे तरीके से लिख सकता हूँ, कैसे, 8.008 × 10^। अब देखो कितनी डिजिट गए हैं, यहाँ पे पॉइंट हम मान के चले अगर इस वाले का, तो यहाँ पे गए हम 3 डिजिट आ गए, तो दैट्स मीन हम यहाँ पे लगा सकते हैं 3, यानी कि हम किस तरफ गए, लेफ्ट हैंड साइड में, तो यहाँ पे हम लगा सकते हैं कि भाई यहाँ पर आ जाएगा हमारा 3। ऑलराइट, अगली वैल्यू देखो 500, ठीक, तो इस पॉइंट को उठा के मैं कहाँ लेके जा रहा हूँ, आगे लेके जा रहा हूँ, तो यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं 5.0 × 10^, कितने डिजिट आगे गया था, 2 डिजिट आगे गया था, तो यहाँ पे लगा दूंगा मैं 2। क्लियर है, अब देखो ये वैल्यू ऑलरेडी लिखी हुई है, ठीक, तो इसको चेंज करने के लिए हमको कोई भी पावर लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा एक नंबर हमेशा क्या रहना चाहिए, आगे रहना चाहिए। तो इस वैल्यू को अगर मैं साइंटिफिक नोटेशन में लिखना भी चाहूँ तो मुझको क्या करना पड़ेगा, 1 × 10^0। और हम जानते हैं जब भी 10^0 हो या किसी भी चीज़ की पावर 0 हो उसका आंसर होता है 1, ठीक। तो इस तरीके से हम साइंटिफिक नोटेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दिखा सकते हैं और उस चीज़ को हम समझ सकते हैं कि कैसे ये चीज़ काम कर रही है। हाँ, दूसरी चीज़ जो यहाँ पर दी गई है वो है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट करो, कि हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर प्रेजेंट इन दैम, ये हमको बताना है, ठीक। हमेशा क्वेश्चन जब भी सिग्निफिकेंट की कोई भी ये नहीं पूछेगा कि वाई दे आर इम्पोर्टेंट और वाई वी यूज दैम, दे ऑलवेज आस्क कि भाई जो भी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो कितनी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, हमेशा ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, ठीक। अब देखो जब भी आप कोई सिग्निफिकेंट फिगर देख रहे हैं, आगे ज़ीरो लिखा है, उसके बाद पॉइंट है, फिर उसके बाद ज़ीरो है, फिर ज़ीरो है और लास्ट में 2 नंबर दिए हैं, तो सिर्फ और सिर्फ जो नंबर्स हैं उन्हीं को काउंट करें। तो यहाँ पर क्या है, कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स मानेंगे हम, 1 5 है और 1 2 है, यानी कि इसकी सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगी 2। इस नंबर के अंदर आप देखो यहाँ पर क्या है कि 2 है, 0 है, 8 है। अब ये 0 जो आ रहा है ना 2 नंबर्स के बीच में आ रहा है,
ये ज़ीरो यहाँ पर क्या आ रहा है, दो नंबर्स के बीच में आ रहा है, दो नंबर्स के बीच में, ठीक। तो इस वजह से क्या होगा, ये भी एज ए सिग्निफिकेंट काउंट होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, टू थ्री फोर, यानी ये टू वाला क्या हो जाएगा, वन टू थ्री, यानी कि यहाँ पर हो जाएंगे हमारे थ्री सिग्निफिकेंट फिगर। अब देखो इसके अंदर भी दो ज़ीरो क्या हैं, बीच में आए, ठीक। एक ये भी नंबर है और दूसरा भी नंबर है, ठीक। तो यहाँ क्या है, बाहर नहीं है, ये दोनों क्या हैं, बीच में है, तब यहाँ पर हो जाएंगे सिग्निफिकेंट फिगर फोर, ठीक है। इस तरीके से क्या करते हैं, हम सिग्निफिकेंट फिगर्स को काउंट कर लेते हैं। ऑल राइट, अब देखो अगला क्वेश्चन भी है इससे रिलेवेंट, मैं निकाल लेता हूँ उसको, ठीक। इसके अंदर देखते हैं हम सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी आएंगी, ठीक है। इन्होंने क्या दिखाया, यहाँ पे दिखाया इन्होंने 126.00। अब देखो जो पॉइंट के बाद के नंबर होंगे, जो भी पॉइंट के बाद के नंबर होंगे, ये इनको आप काउंट नहीं करोगे, क्यों, क्योंकि पॉइंट के बाद के हैं। जो भी स्टार्टिंग वाले नंबर हैं उनको काउंट कर लेंगे, दैट्स मीन यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर आ गई हमारी 3। अब देखो ये 500 है, 500 के बाद उन्होंने पॉइंट पॉइंट ज़ीरो लगाया, ठीक। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा आपको, इस जगह पर कि इन केस ऑफ 500 की अगर हम बात कर रहे हैं, तो हमको क्या करना पड़ेगा कि इसके अंदर हमको ही सारी के सारे नंबरों को काउंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, हमारे सिग्निफिकेंट फिगर जो आएंगी वो आ जाएंगी 3, ठीक। अगर इसके अंदर बात करें तो आप देखोगे कि ये दो दो ज़ीरो आए हैं, ये इन दोनों के बीच में, ठीक। तो यहाँ पर हम सबकी सबको काउंट कर लेंगे, तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि यहाँ पर हमारी होगी 5, यहाँ पर हमारी 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगी जिनको हम बड़ी इजीली काउंट कर सकते हैं। ऑलराइट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में पहुँचते हैं, हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, लेट्स सी। इसने बोला है कि राउंड अप द फॉलोइंग अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर, यानी कि इन वाले नंबर्स को क्या करना है, राउंड अप कर लेना है 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। तो अगर मैं इसकी बात करता हूँ, सपोज करें इस वाले की बात कर रहा हूँ कि 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक अगर मैं इसको राउंड ऑफ करूँ, तो ये दिया है 3, 4.216, ठीक। कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है, 1, 2, 3, 4, 5, 5, यानी कि इसकी सिग्निफिकेंट फिगर है 5, ठीक। अब हमको 3 करना है, तो 3 हम हमेशा करेंगे आगे से, ठीक, पीछे वाले नंबर को हम छोड़ देंगे। तो अगर मैं अप टू 3 करूँगा तो मैं इसके नंबर को लिख सकता हूँ 3.42, यानी कि ये क्या हो गई हमारी, राउंड अप हो गया 3.42 तक। ऑलराइट, अब सपोज करो ये वाला नंबर, इसको इन्होंने दिया है कि भाई कितने हैं यहाँ पर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी कि यहाँ पर भी दिए 6 दे रखे हैं सिग्निफिकेंट फिगर। अब मुझको इसको 3 तक करना पड़ेगा, तो मैं इसको भी क्या कर दूंगा, इसको मैं लिख दूंगा 10.4। आपको मेन फिगर आगे से वाली नहीं छोड़नी है। अब देखो इसने बोला है कि इसको राउंड अप करना है आपको 3 तक, यानी कि 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक। यहाँ पर आपको सोचना पड़ेगा थोड़ा, देखो कितने हैं यहाँ पर, पहले समझा, पॉइंट के बाद 0 नहीं काउंट होने वाला है, तो कौन सा होगा, 1, 2, 3, 4, ठीक है, यहाँ 4 तक आ रहा है। ऑल राइट, यहाँ 4 तक के हमको 3 तक राउंड अप करना है, तो हम क्या करेंगे, तो 3 तक करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये से वाले नंबर लेने पड़ेंगे, ठीक। लेकिन इसकी वैल्यू कहाँ से आती है, 0.04597, ये है नंबर, ठीक। अब देखो ये 7 क्या है, 5 से ज़्यादा है, तो इसकी आगे वाली पावर को बढ़ाएंगे, ठीक, और इसको बढ़ाएंगे 10 हो जाएगा, तो इसकी आगे वाली भी पावर बढ़ जाएगी, ठीक। तो हमारे पास नंबर आएगा 0.046, और 9 की जगह क्या हो गया था, 0, तो दैट्स वाई ये क्या हो गया हमारे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक की ये वैल्यू हमारी सेट हो जाती है। अब बात कर लेते हैं इसके बारे में, ठीक, इसको भी राउंड अप करना है हमको कितना, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। तो हम क्या करेंगे, देखिए ये 8 जो है 10 से ज़्यादा है, तो हम इसको आगे वाले नंबर पे ट्रांसफ़र करा देंगे, ठीक। अब जब आप कराते हो तो आपको पता है कि आपका नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, 2, 8, और 0 की जगह क्या आ जाएगा, 1, और फिर वहाँ पे 8 की जगह क्या आ जाएगा, 0, और ये हमारी स्टार्टिंग वाली हमेशा क्या कहलाती है, सिग्निफिकेंट फिगर। दैट्स वाई हम यहाँ पर बोल देंगे कि ये क्या है हमारी सिग्निफिकेंट 3 फिगर्स तक ये सारा सेट हो चुका है। ऑलराइट, इस तरीके से क्या करना है, हमको क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है जो भी क्वेश्चन हमारे सामने आते हैं। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, एक हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि द फॉलोइंग डेटा
आर ऑब्टेन व्हेन डाई नाइट्रोजन एंड डाई ऑक्सीजन रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म डिफरेंट कंपाउंड्स। ठीक है, तो ये डेटा हमको मिली है जिसके अंदर जब हम इनकी रिएक्शन कराते हैं तो हमको ये चीज़ें मिलती हैं। जैसे मास ऑफ डाई नाइट्रोजन के अगर 14 ग्राम को कराएं तो हमारे पास 16 ग्राम डाई मास ऑफ डाई ऑक्सीजन निकलता है। ठीक, तो ये फिर उसके बाद हम 14 ग्राम को कराते हैं। ठीक, फिर हम उस 14 ग्राम को कराते हैं कितने 32 ग्राम के साथ, फिर हम 28 ग्राम को कराते हैं 32 ग्राम के साथ, और फिर हम 28 ग्राम को कराते हैं 80 ग्राम के साथ। ठीक, तो कह रहे हैं कि विच लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन इज ओवेड बाय द अबव एक्सपेरिमेंटल डेटा, गिव इट स्टेटमेंट। ठीक, तो आपको एक चीज़ याद होगी कि जब हम इसके बारे में पढ़ते थे तो जो हमारे डॉल्टन हैं उन्होंने एक चीज़ और बताई थी, बोले कि जब किसी एक चीज़ की अमाउंट जो है उसे फिक्स कर दो और दूसरी चीज़ की अमाउंट को क्या करना है, बदलते रहना है। ठीक, दूसरे वाले कंपोनेंट की अमाउंट को बदलते रहना है। ठीक, तो जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है वो एक सिंपल रेशियो में होता है, इसको बोलते हैं मल्टीपल डेफिनेट मल्टीपल प्रोपोर्शन वाला लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, मल्टीपल प्रोपोर्शन। ठीक, तो यहाँ पे जो केमिकल लॉ फॉलो हो रहा है दैट इज बीइंग फॉलोड मल्टीपल प्रोपोर्शन। आगे उन्होंने दे रखा है, इसके बारे में भी डिस्कस कर ही लेते हैं कि इसके अंदर दे रखा है उन्होंने कि फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग कन्वर्जेंस, यानी कि इन फॉलोइंग कन्वर्जेंस को क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर करना है। ठीक, इस डेटा के क्वेश्चंस आपको नॉर्मली मिल जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर तुम्हारे पास कोई 1 ml दिया हो तो 1 ml को हम लीटर में कैसे दिखाएंगे और डीएम क्यूब में कैसे दिखाएंगे, या फिर नैनोग्राम में कैसे दिखाएंगे, केजी में कैसे दिखाएंगे, एमजी में कैसे दिखाएंगे, केग्रा में कैसे दिखाएंगे, एमएम में कैसे दिखाएंगे और पिकोमीटर में कैसे दिखाएंगे। ठीक, तो इन सारी डेटाज को एक बार देख लें टेबल के अंदर और उसके बाद इस डेटा को फिल करने की कोशिश करें। अदरवाइज आई वॉज प्लानिंग टू मेक अ होल वीडियो ऑन इट। ठीक, तो हम उसके अंदर इसके बारे में डिस्कस कर ही लेंगे। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन आया है, ये क्वेश्चन मुझे तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है। लेट्स सी क्या रहता है इसमें। कह रहे हैं कि इफ स्पीड ऑफ लाइट जो कि दे रखी है ये 3.0 × 10⁻¹ m/s, कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट इन 2 ns, यानी कि अगर 2 ns हो तो ये कितने डिस्टेंस ट्रेवल कर सकता है। तो हमको डिस्टेंस को ट्रेवल कर लेना है। अब जब भी नैनो की बात आती है तो नैनो स्टैंड्स फॉर 10⁻¹-9। ठीक, तो एक तरीके से ये बोल लो कि अगर हमें सेकंड को दिखाऊंगा तो मैं दिखाऊंगा 2 × 10⁻¹⁹ m। मीटर की जगह हम क्या यूज़ करेंगे, सेकंड। एक्चुअली यहाँ पर हम यूज़ करेंगे सेकंड। तो ये क्या है हमारा टाइम। ठीक, अब हम जानते हैं जब भी हम स्पीड की बात करते हैं तो स्पीड जो होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस जो हमको बतानी है अपॉन टाइम को। ठीक, अब सपोज करो यहाँ पे जो हमको डिस्टेंस निकालनी है तो स्पीड तो हमको ऑलरेडी पता है और टाइम हमको यहाँ से मिल जाएगा। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारी वैल्यू क्या आती है। डिस्टेंस के केस में डी इज इक्वल टू एस इंटू टी, और ये हो जाएगा हमारा जो वैल्यू दी है स्पीड की वो 10⁸ दी है। ठीक, और यहाँ पे दे रखा है हमारा 2 × 10⁻¹-9। ठीक है, अब 2 का हो जाएगा 6। ठीक है, 6 × और 10 का हो जाएगा हमारा -1, 10⁻¹, क्योंकि 8 जब -9 में जाएगा तो -1 बचेगा और हमारे पास डिस्टेंस आ गई एक तरीके से 0.6 m, यानी कि 2.0 ns के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ कितने डिस्टेंस चल पाएंगे, 0.6 m की डिस्टेंस को ट्रैवल कर पाएंगे। इस जगह पे हमको ये बात पता चल जाती है। ऑलराइट, तो ये बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था और अगर आप इस क्वेश्चन के ऊपर थोड़ा सा भी ध्यान दें तो आप इसको आसानी से समझ पाएंगे। आई एम गोइंग टू अपलोड वन मोर वीडियो टू कम्प्लीट दिस चैप्टर। तो हम अभी तक यहीं तक पढ़ पाए हैं,
यानी कि हमारी सिर्फ और सिर्फ ये प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है, अब हम बात करेंगे इसके बारे में। और अगर तुमको यूनिट कन्वर्जन के लिए प्रॉपर वीडियो चाहिए तो प्लीज़ राइट इट डाउन, कि उसके रिलेटेड हम एक वर्कशीट सॉल्व कर लेंगे और बहुत सारी यूनिट्स को कन्वर्ट करके देख लेंगे। जैसे नैनो वगैरह के बारे में जैसे हमने यहाँ पे डिस्कस किया था, वैसे ही क्या होता है हर एक चीज़ में, पीको, DMQ, ये आपका डेकाई वाला डी है ठीक, वो यूज़ करेंगे। और ये मिलीमीटर्स जो होते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे, जिससे क्या होता है टॉपिक हमारा क्लियर हो जाए ठीक। और इस क्वेश्चन के बारे में हम बात करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो, और ये सारे ही वीडियो जो भी अब थोड़े बहुत क्वेश्चन रह गए हैं उनको हम उस वीडियो के अंदर डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग दी पार्ट ऑफ दिस वीडियो, एंड वन थिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल इफ़ यू लाइक, एंड प्लीज़ वॉच द कम्प्लीट वीडियो टू मेक अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट। गॉड ब्लेस यू, गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।